फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनश्री और ये जो आपको हमारे खूबसूरत सी लड़की दिख रही है, ये है मेरी कज़िन। तो मैंने मेरी कज़िन का डार्क स्मोकी आई मेकअप लुक किया है और इसको येलो कलर के ड्रेस के साथ विद द फ्लफी चप्पल के साथ हमने इसको लुक को कैरी किया हुआ और बालों को एकदम से ऊपर टाई अप कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा बोल्ड लुक में चाहती थी इसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने स्किन को पहले से मॉइस्चराइज कर दिया है, तो मैं प्राइमर से शुरू करूँगी मेकअप को। तो यहाँ पे मैं प्राइमर को अच्छे से स्किन में मर्ज कर दे रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और मर्ज करने के बाद थोड़े से पिंपल स्पॉट है तो उसको मैं ग्रीन कंसीलर की मदद से छुपा लूँगी, और जहाँ पर डार्क शेप हो जाता है वहाँ पे थोड़ा कंसीलर ज़्यादा लगाएंगे और उसको गीले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम अच्छे से स्किन में मर्ज कर देंगे। और जब तक वो सेट हो जाता है कंसीलर, तब तक हम हाईब्रोज को फिल करेंगे। मेरी कज़िन की जो हाईब्रोज है थोड़ी सी अनइवन है, तो मैं और थोड़ी डार्क भी है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ी सी फिल करूँगी सिर्फ, ना कि ज़्यादा डार्क उसको शेड दूँगी। बस जहाँ जहाँ पे गैप है बस उसको ही फिल करेंगे, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा उभर के हाईब्रोज ना आए, क्योंकि हम ऑलरेडी आई शेडो डार्क कर रहे थे। तो यहाँ पे हम फाउंडेशन लेंगे, क्योंकि पहले हमको बेस पूरा करना है इसका। तो फाउंडेशन को मैं डैबिंग मोशन में सारी जगह पे, यहाँ पे जैसे कि मैंने लगाया हुआ है उस तरीके के लगा के डैबिंग मोशन में उसको अच्छे से स्किन में मर्ज कर दूँगी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से। और मैंने एक शेड लाइट लिया है, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, तो समर्स में तो स्वेटिंग बहुत ही ज़्यादा होती है। तो स्वेटिंग की मदद से ऑलरेडी मेकअप को, जो हमारा फाउंडेशन है उसमें से ऑक्साइड जो बाहर आता है, उसकी मदद से जो हमारा फाउंडेशन है वो ब्लैक हो जाता है, तो वो थोड़ा सा डार्क होके उसके शेड के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा लाइट शेड लिया हुआ है और वो उसके अच्छे से स्किन में सेट हो जाएगा। जो आई शेडो है उसमें मैंने कोई आज रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, बल्कि एक डार्क कलर का जो ब्लैक शेड होता है, एकदम डार्क ब्लैक शेड को लेके मैंने सिर्फ और सिर्फ आई लीड के शेप में उसको लगाया है, उसके सिवा कुछ भी आई शेडो में नहीं लगाया है। और जो हमारी ब्राउज का ऊपर का शेड है, वहाँ पे मैंने एक हाइलाइटर लगाया है, ताकि हमारी जो आँखों का मेकअप है वो उभर के आए। और यहाँ पे मैंने काजल को नीचे की वाटर लाइन और ऊपर की वाटर लाइन में अच्छे से लगा लिया है। मस्करा भी 4-5 कोट किए हैं, ताकि हमको फेक लैशेज की ज़रूरत ना रहे यहाँ पे। तो हमारा आई मेकअप बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे कॉन्टोर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करेंगे, ताकि हमारे जो बाकी के शेप है वो उभर के बाहर आ जाए। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कॉन्टोरिंग किया है, वहाँ पे कॉन्टोरिंग एकदम से लाइट करना है, और उसके लिए मैं डार्क शेड ले रही हूँ, और फिर इसको भी गीले ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मर्ज कर दूँगी। अगर आपको कोई भी चीज़ स्किन में मर्ज करनी है ना, तो उसके लिए ना आप गीला स्पंज लीजिए, ताकि क्या होता है ना, गीले स्पंज की मदद से वो अच्छे से अपने आपकी स्किन में जो ब्लेंड हो जाता है ना, तो उसमें ज़्यादा सा डिफरेंट नहीं दिखता है। और जैसे कि वीडियो में दिखाया गया, मैंने अच्छे से जो हमारा कॉन्टोर लगाया है उसको मैंने मर्ज कर दिया है। अब जो जो मुझे एरिया हाईलाइट करने हैं, वहाँ पे मैं एकदम से लाइट कलर का हाईलाइटर लगाऊंगी, जो कि हमारा हाईलाइटिंग कंसीलर रहेगा। तो हाईलाइटिंग कंसीलर को भी अच्छे से स्किन में मैंने मर्ज कर दिया है, और आपको क्लियरली दिख रहा है कि कॉन्टोर और हाईलाइटिंग कंसीलर दोनों कितने अलग लग रहे हैं। तो अभी सारी चीज़ को सेट करेंगे हम लूज़ पाउडर की मदद से। तो यहाँ पे मैंने येलो टोन पे लूज़ पाउडर लिया है, ताकि वो फाउंडेशन और जो कॉन्टोर है सब चीज़ों को मिला के उसकी स्किन के अकॉर्डिंगली वो बंद जाए। तो मैंने लूज़ पाउडर भी सिर्फ सेम स्पंज की मदद से ही लगाया, ताकि वो स्किन में अच्छे से मिल जाए। और एक फ्लफी ब्रश की मदद से हम इसको पूरा अच्छे से हमारे स्किन में इन डेप्थ में मतलब कर देंगे मर्ज, ताकि हमारा जो फाउंडेशन है वो ना बन जाए। और यहाँ पे लास्ट में हम ब्लश और हाइलाइटर लगाएंगे जहाँ जहाँ पे एरिया को हमको हाईलाइट करना है। और हमारे मेकअप का एकदम से मेन पार्ट और हमारा हार्ट, जो कि है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक एकदम लाइट शेड का लगाया है मैंने, क्योंकि हमारा आईज जो मेकअप है वो एकदम से डार्क है। तो जब भी आप डार्क आई शेडो मेकअप करो ना, तो लिपस्टिक लाइट लगाओ,
और जब भी आप लाइट आई शेडो मेकअप लगाओ तो लिपस्टिक डार्क प्रीफर करो, तो उसकी वजह से दोनों का जो बैलेंस है ना एकदम सही रहेगा। तो चलिए अभी ब्यूटी शॉट्स देख लेते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है ना तो ज़रूर से इसे एक लाइक तो कर ही दीजिए। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।